मेडिकल को लेके अगर कोई हॉस्पिटल में अगर धांधली करता है हॉस्पिटल वाला या कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल का ऑनर, तो हम उसके गाड़ी के साथ माशाल्लाह दोनों कॉर्पोरेटर लगे हुए हैं फैयाज अहमद खान की सरपरस्ती में। हमारे अलग अलग जगह पे भी चालू है ब्लड कैंप, सिर्फ गोंडी में ही नहीं अलग अलग जगह भी ब्लड कैंप चालू है। तो IBN News 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं फवाज शेख। खोजागिरी पूर्णिमा और ईद मिलादुन नबी की हमारे सभी व्यूवर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम जानते हैं जो ब्लड कैंप गोवंडी ज़िले में रखा हुआ है MIM के द्वारा, उन तमाम लोगों से इसकी सारी जानकारी लेते हैं। IBN News में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह सर। ये जो प्रोग्राम हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप, तो इसका क्या रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपने पूछी है मुझसे कि रिस्पॉन्स तो माशाल्लाह पब्लिक दे रही है। और आज का इतना पाक दिन है, मैं सब तमाम आपके चैनल के लोगों से, मुसलमानों को और मेरे तमाम देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी टीम के जानिब से। और आज का जो दिन हमारे लिए काफ़ी अहम दिन है पूरी उम्मत के लिए, और जो यहाँ के डोनर्स हैं गोंडी के, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में हमें ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं। और आज का दिन हमारे लिए काफ़ी हमारे डोनर्स के लिए भी अच्छा दिन है, क्योंकि आज सारे लोग फ्री है अपने काम काज से, अपने और दुनिया की तमाम जिम्मेदारियों से आज फ्री होकर ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। और इससे बेहतर दिन डोनर्स के लिए भी नहीं था कि आज के दिन वो इतना बड़ा काम करे। और मैं अपने डोनर्स को भी बताना चाहूँगा कि आज का दिन जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जो लोग मेरी आवाज़ सुन के इस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़े और ब्लड कैंप को कामयाब करें। सर तकरीबन कितने लोगों ने मतलब इस ब्लड कैंप का हिस्सा बने, मतलब आप लोगों के पास इस चीज़ का कुछ डेटा है? बिल्कुल बिल्कुल डेटा है, और अभी तक के हमारे पास 50-20 हो गए हैं, 15-20 हो गए हैं माशाल्लाह। हम लोगों का टारगेट है 100 का, और टाइम भी है माशाल्लाह, अभी हमारे पास 4 घंटा है, और दोपहर का टाइम आपको पता है कड़ी चिलचिलाती धूप है, लेकिन जो भी है डोनर वो आएंगे इंशाल्लाह और हम लोग 100 का टारगेट अचीव करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि MIM के लोगों ने यहाँ पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया था जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की। हम जानते हैं सर कि बॉम्बे के अंदर MIM के 2 कॉरपोरेटर हैं, उन लोगों का किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिला, क्या वो लोगों को भी आप लोगों ने इनवाइट किया है? अरे बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों कॉरपोरेटर हमारे हैं माशाल्लाह। अभी एक सालिम भाई आ गए जो मुंबई के जनरल सेक्रेटरी बने हैं, वो खुद हमारे हैं। 10 मिनट पहले आप अगर आए होते तो आप उनको भी मिल लिए होते, और शानवाज भाई हमारे दूसरे एरिया में विजिट कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ माशाल्लाह दोनों कॉरपोरेटर लगे हुए हैं फैयाज अहमद खान की सरपरस्ती में। हमारे अलग अलग जगह पर भी चालू ब्लड कैंप, सिर्फ गोंडी में ही नहीं अलग अलग जगह भी ब्लड कैंप चालू है, तो सब जगह विजिट करना पड़ रहा है, तो हर जगह जा रहे हैं। अभी गोंडी, अभी हम लोग मंडाला से आ रहे हैं, तो इस तरीके से अभी वो विक्रोली गए हैं, फिर भांडू पे, फिर मलाड है, जहाँ जहाँ उनको जाना पड़ेगा वो वहाँ जा रहे हैं वो। तो ये कुछ नेशनल मुद्दों पर MIM के दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। सर आपका MIM न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया भाई। सर जैसा कि देखा गया है कि अबू असीम साहब ने रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था कि जिसको अपना लीडर पैदा करना है वो रामपुर चले, वो पाकिस्तान चले जाए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इस पे शायद मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, वो इसका जवाब हर ज़िले में अपनी अपनी जगह पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर घूमकर वो इसका जवाब दे रहे हैं, और वो उसका जवाब बेहतर देंगे मेरे से। अच्छा सर एक और एक सवाल नेशनल मुद्दों पर ये था कि जो OP राजभर साहब है उनकी और OAC साहब की जो एक पार्टनरशिप चल रही थी उसमें दरार आ गई सुनाई में आ रहे हैं। सर वो सीनियर्स लीडर का मसला है, उस पर हम लोग यहाँ पर अभी उस चीज़ को डिबेट करना, शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए या मेरी गवर्नमेंट टीम, आज हम लोग इस काम को लेके इतने ज़्यादा बिजी है। हम लोग माशाल्लाह पूरे मुंबई के अंदर तकरीबन 20 जगहों पर, एक दो भी नहीं 20 जगहों पर हम आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर कैंप कर रहे हैं, और ये राजभर साहब का जो मसला है वो शायद इसका जवाब हमारे इस पार्टी के सीनियर लीडर देंगे, इम्तियाज जलील साहब है, असद साहब है, हमारे अकबर साहब है, वो लोग देंगे इसका जवाब। सर बॉम्बे के अंदर जो है कॉरपोरेटर MIM के 2 है, तो उनको बढ़ाने के लिए क्या आपकी जिद्दोजहद चल रही है, या आने वाले टाइम में वो 10 होंगे, 20 होंगे या 50 होंगे, तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारी MIM पार्टी की तरफ से चल रही है? तैयारी के मामले में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छी तैयारी में है इस बार, और हमारे को लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लोग हमारे से हमारे पास आकर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, और नंबर्स पे तो मैं बोलूँगा इंशाल्लाह हम लोग डबल डिजिट क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। सर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर जो लोगों का देखने को आ रहा है कि असर MIM काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो उस चीज़ पर कैसा है कि MIM का जो कैंडिडेट है, जो MIM ने अपने अपने लोगों को बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, MIM किस तरीके से अपना असर अंदाज है गोवंडी के ऊपर, क्योंकि गोवंडी में काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, तो ऐसे में मतलब MIM पार्टी को मतलब अपना कुछ हक या हिस्सेदारी मिलेगी
देखिए इंशाल्लाह हम MIM टीम यहाँ पर गोवंडी की टीम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही है, काफ़ी दिनों से जिद्दोजहद कर रही है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है यूथ का यहाँ पर। और काफ़ी दिनों से जब से हमारे बिहार में MLS आए, UP में जब से असद साहब ने दौरा शुरू किया है, तो गोवंडी के माहौल में भी एक अच्छा चेंजेस मिला हमको, यूथ अच्छा सपोर्ट में आया है। और इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, और 2022 में इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर्स ला के बताएँगे। और जो भी यहाँ पर सत्ता पार्टी है, यहाँ पर लोगों सब लोग परेशान हो चुके हैं उनसे, नशे का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, इन्वायरमेंट का मामला हो, काफ़ी तकलीफ़ें सुनाई में आती हैं। इंशाल्लाह उस तकलीफ़ों को दूर करेंगे हम लोग, और पार्टी के साथ संगठन मिलकर हम लोग ताकत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। अब एक यूथ हो तो एक यूथ से रिलेटेड सवाल जी, जो 100 सीट पर लड़ने का MIM के जो मुखिया है असद साहब, उनका जो फैसला है, तो इसको आप किस अंदाज में देखते हो? क्योंकि जो 2017 से लेकर 2019 का जो ग्राफ था वो काफ़ी डाउनफॉल की तरफ है, मुसलमान MLA का जो रेशियो वो काफ़ी नीचे गिरा हुआ है। तो जो 100 सीटों पर पिछली दफ़ा मायावती जो है बसपा की लीडर, उन्होंने भी 100 से ज़्यादा कैंडिडेट उतारे थे, तो कुछ रिजल्ट उस तरीके से नहीं आया, जबकि वोटिंग का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो 100 सीट पर लड़ने का फैसला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 100 सीट पर लड़ने का जो फैसला है, ये ऊपर लेवल पर डिसाइडेड है, और मैं नहीं समझता कि आज BJP के सामने या कांग्रेस अच्छी कॉम्पिटिटर है या मायावती या समाजवादी। आज आप देखेंगे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेज प्रोग्राम हो, चाहे कहीं पर भी हो, हक की एक ही आवाज़ बुलंद होती है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम 100 सीट पर, जैसे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने बताया कि 100 सीट पर हम लोग मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह हम मुकाबला भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट इंशाल्लाह UP में जीतेंगे इंशाल्लाह। और हमारी यही कोशिश है कि UP में CM जो हो वो किसी का भी रहे, DC हमारा मुस्लिम होना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल था जो लोगों का है, कि जो वोट कटवा वाली इमेज अपनी बनी हुई है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे सर? कि जो बिहार का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर 15 सीट लड़ी थी, जिसमें जो वहाँ पर है जो आपने CM गिरा दिया, तो उसके ऊपर क्या है कि वोट कटवा वाली जो एक इमेज बनी हुई है MIM की, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आपके आप तो पहले नंबर सब मुझे गलत बताए, 15 सीट ने 19 सीटों पर मुकाबला हुआ, जिसमें से 4 सीट जो है सिर्फ NDA को गई है, नीतीश कुमार और BJP को, जिसमें से 5 सीट हमने जीती है, और 10 सीट जो है हमारे लालू प्रसाद जी के बेटे ने जीती है, कांग्रेस ने जीती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट कटवा, ये जिनकी राजनीति ख़त्म हो रही है असद साहब आने से, उनको इनकी बौखलाहट है, वो ये सब बातें फैला रहे हैं कि ये BT में, CT में, DT में, ये सब चीज़ों से हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है हक के लिए लड़ना, हक के लिए लड़ना, असद साहब बेहतर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। ये BT, CT, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपने देखा गोवंडी में लोगों ने आए जिस तरीके से, ये जो प्रोग्राम आयोजित किया था, जो ब्लड डोनेशन कैंप आप मेरे पीछे देख रहे हो, कि ब्लड डोनेशन कैंप में जो मेडिकल स्टाफ है वो आपको दिख रहा है, इन लोगों ने यहाँ पर उनके खाने का भी इंतज़ाम किया था, और काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में जो लोग हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में एक आखिरी सवाल, कि सर ये जो ब्लड डोनेशन कैंप था, क्या ये हर साल होगा? जी जी जी। हमारे साथ मौजूद है सैयद अल्ताफ पटेल, जो MIM ऑब्जर्वर है, उनसे जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम हुआ था सर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो हमारे सदर फैयाज़ अहमद ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए एक सुनहरा ऐसा अच्छा मौका ईद मिलादुन्नबी के टाइम पे सारी मुंबई की टीम को ऑर्गेनाइज़ करके एक प्रोग्राम बनाए, कि हमको क्या करना चाहिए, कि हम सब तमाम ज़िम्मेदार लोग, ज़िला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, बॉम्बे अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी हमारे, सब मिलकर एक तय किए कि भाई हम लोग को ईद मिलादुन्नबी के टाइम पे हमको एक डोनेट कैंप बनाना है, और उसके अंदर ब्लड डोनेट देने का हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस हिसाब से पिछले साल में भी हम लोग इधर गवंडी में किए थे, और उसी हिसाब से इस टाइम लॉकडाउन की वजह से फिर भी हम लोग ये सोचे कि लॉकडाउन में फिर भी ये कंटिन्यू करते रहेंगे, इस हिसाब से हम लोग यहाँ ब्लड कैंप करते रहेंगे गवंडी के अंदर। जैसे यहाँ के तालुका अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, बॉम्बे कमेटी है, सारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस वक्त फ़िलहाल
हमारे पास बहुत बेहतरीन अच्छी तरीके से ब्लड डोनेट का कैंप चल रहा है और लोग डोनेटर लोग मेरे ख्याल से 50 लोग का भी पैकेट हो चुका है और इंशाल्लाह और भी देने वाले तैयार हैं, मगर इस वक्त थोड़ी सी धूप है, गर्म ज़्यादा हो रहा है, इसलिए से लोगों को थोड़ी परेशानी है और उसके लिए अब हम लोग सारी इंतज़ाम उनका करके रखे हैं। सर यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रहा था, हमने सुना कि किसी का अगर मेडिकल का जो बिल है वो 20,000 रुपये होता है तो उसको MIM की गोवंडी टीम की तरफ से 5,000 रुपये का जो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसके बारे में मेरे को पर्सनली जानकारी नहीं है कि टीम क्या बात रखी है, अगर वो जानकारी रहे तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ और मेरे को जानकारी नहीं है। तो ये जो अनाउंसमेंट हो रहा था यहाँ पर MIM टीम की जानिब से, तो उसकी जानकारी हम इरफान साहब से लेंगे। सर ये जो अनाउंसमेंट हुआ था कि 20,000 रुपये का जो मेडिकल बिल होगा तो उसको MIM टीम की जानिब से कम करवा कर लोगों की मदद की जाएगी, तो वो 5,000 रुपये का बिल था, तो इस तरीके के मतलब लोगों की जो मदद हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी जैसा कि आपने सुना यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि अगर प्राइवेट कोई हॉस्पिटल है गोवंडी के अंदर जो कि बिल करता है 20 से 25,000 रुपया, जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पे 2 से 3 कोई एडमिट होता है 2 से 3 दिन तो उसका बिल 15 से 20,000 रुपये लोग कर देते, लेकिन इंशाल्लाह MIM के तरफ से ये मैं इतना ये करके दूंगा कि उसका बिल कम से कम में करा के दूंगा और इंशाल्लाह मैं वादा तो कर ही रहा हूँ और साथ ही साथ में एक वो भी बोल रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा इंशाल्लाह। और जितने भी जो हॉस्पिटल्स जो चल रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल जो लगा रहे जैसा कि बेड चार्जेस 3,000 लगा रहे, मल्टी डिलेक्स रूम लगा रहे, ये लगा रहे, ये हमको सारी चीज़ें उनकी मालूम है, हमको क्या करना है कैसे करना है कहाँ पर पैर रखना हमको सब पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गोवंडी की अवाम जो परेशान है मेडिकल को लेके, अगर कोई हॉस्पिटल में अगर धांधली करता है हॉस्पिटल वाला या कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल का ऑनर तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपने स्टाइल इंशाल्लाह हम MIM अकबरुद्दीन अवैसी की स्टाइल में इनको बता के दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह की तेज तरह न्यूज़ के लिए बने रहिए IBN न्यूज़ के साथ, कैमरामैन तैयब के साथ मैं फवाद शेख। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।